प्रधानमंत्री के थ्रू मुझे 10,000 की लोन मिली, फिर 20 का मिला, फिर 50 का। Interaction between PM Modi and Mona was so nice that I totally feel that this is a next step towards a betterment. भारत में किन्नरों को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई इन्हें हीन भावना से देखता है तो कोई इन्हें सेक्स वर्कर के तौर पर। इन सब के बीच आपने कई बार इन्हें बीच चौराहों पर भीख मांगते हुए भी देखा होगा, शादी व तीज त्योहारों पर शगुन मांगते हुए भी देखा होगा। हालांकि कई बार जब इन्हें इनके अनुसार पैसा नहीं मिलता तो गाली गलौज करते हुए भी देखा होगा। किन्नरों के इस तरह के बर्ताव ने उन्हें समाज से अलग रहने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि आज भी उन्हें समाज में रहने वाले बुद्धिजीवी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब किन्नर समुदाय भी अपनी पहचान बदलने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। आज आपको एक किन्नर की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो भीख नहीं बल्कि चाय की दुकान चलाकर अपनी जीविका चला रही हैं। यह कहानी है किन्नर मोना की। पीएम मोदी ने बीते दिनों पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान उनसे बात की, उनके संघर्ष को समझा। मालूम हो कि भारत सरकार लगातार नई नई योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है कि किन्नर समुदाय को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई L&T मॉल फेसान इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं, अब तो हाँ जी। मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है, चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने कितने लोग दिन बनाते हैं, सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हैं, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा, तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई से रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आगे हैं जी। अभी कोई बहुत कोई L&T मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है जी। यह पहली बार नहीं जब पीएम मोदी ने किन्नर समुदाय से बात की, उनके दर्द और संघर्ष भरी जिंदगी से रूबरू हुए। साल 2022 में कर्नाटक के मैसूर प्लेस ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योग किया था। इस दौरान उनके साथ स्थानीय 15 ट्रांसजेंडर भी शामिल हुए और पीएम के साथ योग किया। यह पहली बार था जब ट्रांसजेंडर पीएम मोदी के साथ योग कर रहे थे। इस दौरान ट्रांसजेंडर का कहना था कि पीएम के साथ योग करना हमारे लिए गर्व की बात है, उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमारा सम्मान बढ़ाया, हम धन्य हो गए। वहीं दूसरी तरफ चाय बेचने वाली ट्रांसजेंडर मोना ने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कभी पीएम मोदी से बात होगी। अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनसे मेरी बात होगी। और मैं मोना बोल रही हूँ, L&T मॉल के पास मेरी दुकान है और मैं अपना काम करती हूँ स्टार्टिंग से। अभी मेरा चाय का ही काम है। स्टार्टिंग मेरी हुई थी 10 साल हो गई, पर मेरा लाइसेंस नहीं बना, फिर लाइसेंस भी बनवाया इन्होंने और 10,000 की लोन मिली, उससे मैं अपना दुकान चालू की। ट्रांसजेंडर मोना से पीएम मोदी द्वारा किए गए वार्तालाप से किन्नर समुदाय भी खुश है। किन्नरों का कहना है कि पीएम ने उनका सम्मान बढ़ा दिया। नागपुर में ट्रांसजेंडर मोना के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत पर ट्रांसजेंडर तनुश्री ने कहा कि आज ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पीएम मोदी ने एक किन्नर से बात की, उनके जीवन रोजगार आदि के बारे में जानकारी ली। खुशी हुई कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक किन्नर के साथ में वार्तालाप की, उनके जीवन के विषय में, उनके रोजगार के विषय में पूछताछ की। ये देख के बहुत खुशी हुई है कि अब सरकार भी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उनके लिए कुछ सोच रही है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे श्री माननीय जी प्रधानमंत्री जी है, जो मोदी जी है, उन्होंने किसी किन्नर से बात करी।
आज समाज कहीं ना कहीं हमें आज भी द्वेष नजर से देखते हैं, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है सच में सबका विकास और सबका जो प्रगति है एक साथ होने वाली है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द इंटरेक्शन बिटवीन पीएम मोदी एंड मोना वाज सो नाइस दैट आई टोटली फील दैट दिस इज अ नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत में कुल ट्रांसजेंडर आबादी 487,803 है और केवल 30,000 ही चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है। समुदाय की साक्षरता दर 56.07% है जबकि सामान्य जनसंख्या की साक्षरता दर 74% है। मोना जैसी ट्रांसजेंडर दूसरी किन्नरों के लिए भी एक मिसाल है, जो भीख ना मांग कर, जो दूसरों के आगे हाथ ना फैलाकर खुद का रोजगार चला रही हैं। वो आत्मनिर्भर हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। वो चाय की दुकान चलाती हैं और उससे अपनी जीविका चला रही हैं। उनकी दुकान पर दूसरे किन्नर भी आते हैं और मोना को देखकर खुश होते हैं। मोना ऑटो से आती है, सुबह अपनी दुकान खोलती है और रात तक ये दुकान चलती है। मोना का कहना है कि सरकार ने उन्हें बहुत सहयोग किया है।